अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हिरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिरा शेजी व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आज के मुहर्रम स्पेशल व्लॉग्स में मेरा टॉपिक है हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो, हालात जिंदगी और शादी किन हालात में किस तरह से हुई और इनका मकाम जो है वो इस्लाम में क्या है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जो है वो मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। हजरत अली इब्ने अबी तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे और आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तराब हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, जो कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बहुत पसंद थी। रवायात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के लोगों को इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले बच्चों में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो थे जो आपने वो ईमान लेके आए थे बच्चों में। और रवायात के मुताबिक उस वक्त हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की उम्र कुछ मुफस्सरीन कराम 8 साल, कुछ 9 साल और कुछ 10 साल बताते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं और उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने कुरान पाक को जो था वो जमा किया था और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में से पेश किया था। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे जो थे छोड़कर आए कि वो सुबह लोगों को अमानतें देकर जो मक्का के लोगों की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी वो देकर हिजरत करके मदीने तशरीफ ले आए। यहाँ पर मैं हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के कुछ फजाइल जो है वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी आज के लेक्चर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में फरमाया कि मेरी उम्मत में मेरे बाद सबसे बड़ा आलिम अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, बेशक अहले जन्नत में से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला अली रज़ियल्लाहु अन्हु है। बेशक अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पुश्त से चलाई। बेशक जिसने मेरे साथ पहले नमाज पढ़ी वो अली है। इस्लाम में पहला सुराख अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत है। नीज मजीद फरमाया कि हर नबी का महरम राज होता है और मेरा राज जो है वो अली है। मजीद फरमाया दुनिया और आखरत में मेरा भाई अली है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में शरीक रहे थे, बदर हो ओहो तो सवाए गजवाए तबूक के। गजवाए तबूक में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को मदीने में छोड़कर गए थे। तमाम जंगों में आपकी शुजात के आसार जो है वो बहुत ही मशहूर हैं और कई जगहों पर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा अता फरमाया। जंग खैबर में हजरत अली ने अपनी पीठ पर और मुसलमानों ने इस पर से गुजरकर किला फतह किया। इसके बाद जब वो इस दरवाजे को उठाने लगे तो 40 आदमी भी मिलकर इस दरवाजे को ना उठा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इशारा फरमाया कि बेशक मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं अली का निकाह फातिमा से करूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का आफ्ताब हुसन चमका और उफक और अजमत और जलाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदरे कमाल तुलू हुआ तो नेक जहनों में आप रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्याल आया। मुहाजरीन और इंसार के मुअज़्ज़ज़ीन में से सब ने पैगामे निकाह भिजवाए, लेकिन इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फातिमा के मामले में खुदा के फैसले का मुंतजर हूँ। जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी निकाह का पैगाम जो था वो भिजवाया तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। एक दिन मस्जिद नबी में हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक और हजरत सईदना मास रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमाते। इन्हीं लम्हात में बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र खैर चला, जिस पर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तमाम मुअज़्ज़ज़ीन ने हजरत फातिमा के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पैगाम निकाह भिजवाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात दोहराई कि मैं फातिमा के मामले में खुदा के हुक्म का मुंतजर हूँ। लेकिन अली ने पैगाम निकाह नहीं भिजवाया। इससे मुराद शायद इनकी तंगदस्ती हो सकती है, हमें उनके पास चलना चाहिए और अगर ऐसा ही है तो हमें उनकी माली मदद करनी चाहिए। जब ढूंढने लगे तो हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम एक अंसारी के बाग में उजरत में मसरूफ थे। जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात की कि ए अली, कुरैश के मुअज़्ज़ज़ीन ने बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। आप में हर अच्छी आदत मौजूद है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने इनका मामला आप रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से रोक कर रखा हुआ है। जब इन हजरात ने बात की तो हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम जो थे वो काशान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे मुबारक में थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, पूछा कौन है? तो इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, दरवाजा खोलो, ये वो है जिनसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। और इस पर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो थे वो अंदर दाखिल हुए।
और सलाम दुआ के बाद हजरत अली करम तआला वजहुल करीम जो थे वो हया से जमीन को रीदने लगे। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, बोलो अली क्या काम है, हमारे यहाँ तुम्हारी हर हाजत जो है वो पूरी की जाएगी। इस पर हजरत अली रजी तआला अन्हु जो है उन्होंने फरमाया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके जरिए मुझे हदायत बख्शी। इसी तरह फरमाया कि मेरा भी एक घर हो और मेरी भी एक बीवी हो जिसके जरिए मैं चैन और सुकून हासिल कर सकूं। लिहाजा मैं आपकी बारगाह में आपकी शहजादी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए निकाह का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा और फौरन पूछा, अली क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है कि जिसके जरिए तुम फातिमा का मेहर अदा कर सको? इस पर हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी हालत पोशीदा नहीं है, यानी मेरे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक जिरा और पानी भरने के लिए एक ऊंट मौजूद है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिरा से तो तुम अल्लाह ताला की राह में जिहाद करोगे जबकि ऊंट से अपने घर वालों के लिए पानी भरकर लाओगे, लेकिन जिरा के बदले में मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करता हूँ, सुभान अल्लाह, और मैं तुमसे खुश हूँ। और ए अली तुम्हें बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ने जमीन पर तुम्हारा निकाह फातिमा से करने से पहले ही आसमान पर तुम्हारा निकाह फातिमा के साथ कर दिया है, और तुम्हारे आने से पहले एक फरिश्ता मेरी बारगाह में हाजिर हुआ, उसको पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि कहीं चेहरे और पर थे। उसने आकर कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक मिलन और पाकीजा नस्ल की बिशारत। फिर हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरी खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया और कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया पर नजरे रहमत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक भाई, हबीब और दोस्त मुंतखब फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा का निकाह फरमाया, और अल्लाह ने सारी जन्नतों, सारी हूरों को आरास्ता होने और शजर तुबा को जेवरात से मुजीन होने और मलाइका को चौथे आसमान के पास बैतुल मामूर के पास जमा होने का हुक्म दिया है, और ये वही मुनबर है जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इशिया के नाम सिखाए थे और उन्होंने इस पर खुतबा दिया था। फिर अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म से राहील नामी फरिश्ते ने अल्लाह ताला के शायान शान अल्लाह की हमद सना की, आसमान फरहत से झूम उठा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे वही की कि मैंने अपने महबूब बंदी और महबूब बंदी का निकाह कर दिया है, तुम इनका अक़्दे निकाह कर दो। बस मैंने अक़्दे निकाह कर दिया। हजरत अली करम अल्लाह वजह करी फरमाते, मैं बारगाह रिसाला से जल्दी जल्दी से निकला और खुशी से मैं झूम उठ रहा था। इतने में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल हुए और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह को हुक्म दिया कि वो जल्द ही तमाम मुहाजिरीन और अंसार को बुलाएं, और जब सब जमा हो गए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फरमाया कि अभी भी मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और उन्होंने मुझे ये बताया कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह के साथ जो है वो कर दिया है, आसमान पर बैतुल मामूर में आसमान पर कर दिया है और तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर, और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं जमीन पर इनका निकाह कर दूं। मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के साथ कर दिया है। हजरत अली ने निकाह का खुतबा पढ़ा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म पर अमल है और उसने उसकी इजाजत दी है। अब हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अपनी ज़रा ली और बाजार में गए, जिसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 400 दिरहम में खरीद लिया, और खरीदने के बाद वही ज़रा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हिब्बा कर दी। हिब्बा कहते हैं तोहफा देने में। अब मैं अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाने से पहले पहले जो है वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का जहेज के बारे में जो है वो मैं बताना चाहूंगी। जहेज देना भी जो है वो सुन्नत है, हर इंसान अपनी इस्तेआत के मुताबिक जो है वो जहेज दे सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जहेज का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि इसमें भी हम सब उम्मत के लिए जो है वो दर्स है कि जहेज का मुतालबा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था, और खातून जन्नत का जहेज बहुत ही मुख्तसर और सादा सा था कि कसीर और पुरतकल्लुफ जहेज का एहतमाम करना ज़रूरी नहीं कि जिससे लड़की के घर वालों के लिए बाद में इतनी ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ जाए कि वो बाद में जो है वो कर्ज ही उतारने में जो है वो उनकी उम्र जो है वो बीत जाए। अब हम देखेंगे कि शरीयत में जहेज की तारीफ क्या है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, माँ बाप कुछ कपड़े, जेवरात, सामान, बर्तन, पलंग, बिस्तर, जायनमाज, कुरान मजीद, दीनी किताबें वगैरह लड़की को देकर ससुराल भेजते हैं, ये लड़की का जहेज कहलाता है। माँ बाप पर लड़की को जहेज देना फर्ज और वाजिब नहीं है। लड़की और दामाद के लिए हरगिज 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 जायज नहीं है कि वो जबरदस्ती माँ बाप को मजबूर करके अपनी पसंद की चीजों का तकाजा करें और इनको मजबूर करें कि वो कर्ज लेकर अपने दामाद को जहेज दें।
देखा जाए तो आजकल जैसी मुसलमानों में रस्म व रिवाज चल पड़े हैं कि शादी तय करते वक्त जो है वो जहेज की शर्त लगा देते हैं, इसी वजह से बहुत से गरीब लोगों की लड़कियां जो है वो अभी तक ब्याही नहीं जा रही हैं। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो उस बुरी रस्म को भी ख़त्म करें। लिहाजा अगर किसी की बहू बेटी जहेज नहीं लेकर आई है या फिर बहुत ही कम जहेज लेकर आई तो ससुराली रिश्तेदारों को भी उसकी दिल आजारी जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जहेज जो है उसके बारे में सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जान से भी प्यारी दुख्तर को जिन जिन चीज़ों के साथ रुख्सत किया, मशकीज़ा, घ्यो पीसने वाली हाथ की चक्की, नुकरई यानी चांदी के कंगन पेश किए, इसके अलावा चिटाई, मिट्टी के बर्तन और खजूर की छाल भरा चमड़े का तकिया वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करती हूँ। इंशाल्लाह और अज़ीज़ कल की वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। कल मुहर्रम अल हराम के स्पेशल व्लॉग्स में एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।